हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिले के मुरताला गाला के ग्रामीणों ने बाड़मेर एडीएम राकेश कुमार को ज्ञापन सौंपकर सड़क कार्य रुकवाने की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि उनकी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 885 मौजा मुरताला गाला तहसील बाड़मेर में आई हुई है, जिस पर एसडीओ बाड़मेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 349/2018 में दिनांक 17/7/2018 को खसरा संख्या 885 में से रकबा 2.7 बीघा भूमि रास्ते में दर्ज करने के आदेश पारित किए थे, जिस पर पार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में राजस्व अपील पेश की थी, जिसकी अपील संख्या 375/2018 है। पार्थी ने ज्ञापन में बताया कि प्रस्तुत अपील में माननीय न्यायालय द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 349/2018 में एसडीओ बाड़मेर द्वारा पारित आदेश को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी सड़क निर्माण कार्य अभी तक जारी है, जो न्याय संगत नहीं है। क्या नाम है आपका और कहां से आए हैं, क्या मामला है? भगत सिंह है, मोटाला गाला से आए। हमारे खेत में जबरदस्ती निर्माण कार्य किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी द्वारा। हमने कोर्ट से स्टे ले रखा है, उसके बावजूद भी काम किया जा रहा है और सदर पुलिस हमारे को बार बार टॉर्चर कर रही है। रात को पकड़ के लाई, रात भर बिठाया थाने में, पूछ रहे कि ठेकेदार से सहमति ले लो नहीं तो आप गिरफ्तार कर देंगे झूठे केस में। हमने एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्टे के आदेश अनुसार स्टे है, उसके अलावा भी काम किया जा रहा है जबरदस्ती। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।